सब लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं। ओके बड़े उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो लगातार अपने क्षेत्र की जनता ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के साथ संवाद करते रहते हैं, ऐसे श्री ब्रजेश जी पाठक, लखनऊ व्यापार मंडल के चेयरमैन श्री राजेंद्र कुमार जी अग्रवाल और हमारे लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री अमरनाथ जी मिश्र, सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश जी शर्मा, हमारी यहां की जो अब तक महापौर रही हैं श्रीमती संयुक्ता जी भाटिया, सदस्य विधान परिषद श्री पवन सिंह जी चौहान, सचेतक लखनऊ व्यापार मंडल श्री अनिल जी बरमानी, श्री सतीश जी अग्रवाल, श्री पवन मनोचा, श्री देवेंद्र गुप्ता, श्री अभिषेक खरे, श्री अनुराग मिश्रा, श्री सुहैल हैदर अलवी, श्री जितेंद्र चौहान, श्री उमेश शर्मा, श्री मान दिवाकर जी त्रिपाठी, श्री मनीष गुप्ता, श्री भारत भूषण गुप्ता, श्री अशोक जी मोतियानी और श्री अनिल बजाज। और इस कार्यक्रम में मौजूद व्यापार मंडल के मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं जानता हूं काफी देर से आप लोग यहां पर बैठे हैं, मुझे जानकारी दी गई कि 9:30 बजे से आप लोग यहां पर बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके धैर्य की प्रशंसा करता हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्वक संयमित तरीके से अपने व्यापार मंडल के नए पदाधिकारियों का चयन कर लिया। इसके लिए मैं समस्त व्यापार मंडल को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। नमस्ते, जय बधाई, बधाई। और मुझे पूरा विश्वास है और विश्वास इसलिए है कि मैं जानता हूं कि व्यापारी समाज किस संयम से, किस धैर्य से और किस विवेक से काम करता है। इसके पहले के भी जो व्यापार मंडल के पदाधिकारी रहे हैं, जो कार्य समिति रही है, सारे लोगों को साथ लेकर यह व्यापार मंडल व्यापारी हितों के लिए लगाई कार्य करेगा, ऐसा मेरा विश्वास। किसी भी संगठन को चलाने के लिए बहुत ही स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा के आधार पर कोई संगठन कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और किसी भी संगठन में लगातार कोई लंबे समय तक पदाधिकारी नहीं रह सकता, आज कोई है कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, यह सिलसिला चलता रहे। एकजुट होकर हमें व्यापारी समाज की समस्याओं के समाधान के लिए काम करने की जरूरत है। और मैं अपनी तरफ से आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, पहले भी करता रहा हूं, यह कोई नई बात नहीं है, आगे भी जो भी आपकी समस्याएं होंगी यथासंभव सारी समस्याओं के समाधान के लिए मैं सतत प्रयत्न करूंगा। जो मांग पत्र आपके नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री अमरनाथ जी मिश्र के द्वारा प्रस्तुत किए गए, उसके संबंध में मैं पहले कहना चाहूंगा, जो हमारी केंद्र सरकार से संबंधित समस्याएं हैं उन समस्याओं को पार्लियामेंट का सत्र समाप्त होने के बाद समय निर्धारित करके आप आइए, स्वयं भारत सरकार के वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री जिनसे भी बात कराने की जरूरत होगी उनसे मैं बात कराकर यथासंभव उसका समाधान निकलवाने की कोशिश करूं। प्रदेश के स्तर पर भी आपके उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक आपके बीच मौजूद हैं और जहां पर मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी आप सब जानते हैं कि उस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। आज जब हम लोग यहां पर मिल रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि अभी होली का अभी कुछ ही दिनों पहले एक पर्व था,
भारत का जहां तक प्रश्न है, यह भारत त्योहारों का देश है। हम सब सारे लोग उत्सव प्रिय हैं। हर पखवाड़े कोई ना कोई त्योहार भारत में पढ़ ही जाता है, जो लोगों के अंदर एक नया उत्साह पैदा करता है, नई ऊर्जा पैदा करता है और एक नए जोश का वह संचार भी करता है। और हमारे यह त्योहार, मैं यह मानता हूं कि यह सामाजिक सौहार्द और आपसी स्नेह और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। और साथ ही कैसे भाईचारे के साथ रहा जा सकता है, इसकी प्रेरणा भी लेने का काम करते हैं। और मैं तो यह मानता हूं कि होली का जो पर्व है वो एक विशिष्ट पर्व है। यह सिर्फ रंग खेलने का अथवा मिठाइयों का ही यह पर्व नहीं है। यह पर्व राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम की एक कहानी है। आप सबको जानकारी होगी इस बात की कि विष्णु अवतार नरसिंह, विष्णु भक्त प्रहलाद और अहम के प्रतीक हिरण्यकश्यप की भी यह होली का पर्व हमको याद दिलाता है। और यह बताती है आप कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, अभिमान आपके विनाश का कारण बने। व्यक्ति को चाहे कितने भी बड़े ओहदे पर क्यों न पहुंच जाए, अहंकार किसी भी सूरत में उसके अंदर पैदा नहीं होना चाहिए। और यह अहंकार पैदा हुआ, व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो दुनिया की नजरों में, उसके विनाश को भी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। यह होली का पर्व हमको संदेश देता है। आप कितने ही लोगों की नजरों में छोटे क्यों न हो, प्रेम भक्ति व निष्ठा से आप अपने जीवन की उत्थान की जीवन में उत्थान की प्राप्ति कर सकते हैं, नई ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। बहनों भाइयों, मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, हमारे राजनीतिक और सामाजिक जीवन का जो अनुभव है उस आधार पर कहना चाहता हूं, प्रेम और इंसानियत दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत होगी। यह होली का त्यौहार हमें यह भी प्रेरणा देता है कि प्रेम और इंसानियत, इन दो मंत्रों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। यहां पर मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन चूंकि सरकार में हूं तो सरकार की बात करनी पड़ेगी। इस बार जब होली का पर्व आया तो हमको नॉर्थ ईस्ट ने भी हम लोगों को होली के रंग में रंग दिया। त्रिपुरा में भी हमारी दोबारा सरकार बन गई, मेघालय और नागालैंड में भी हम लोगों की मिली जुली सरकार जैसी थी पहले वह सरकार आ गई। और आपको जानकर यह खुशी होगी कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व जो भारत से पहले अपने को अलग थलग माना करता था, एक भावनात्मक लड़ाव जितना गहरा होना चाहिए उतना गहरा लोग महसूस करते थे कि नहीं है, आज भावनात्मक रूप से भी नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह से भारत के साथ जुड़ चुका है। और इसका श्रेय यदि मैं किसी को देना चाहता हूं तो अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी को देना चाहता हूं। लोगों के साथ कैसे रिश्ता बढ़ाया जाता है, लोगों को प्रेम और स्नेह के बंधन में कैसे बांधा जाता है, प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने पूरे मंत्रिमंडल की पहली बैठक में कहा था कि हर मंत्री को एक वर्ष में कम से कम 2-3 बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा करना ही करना। पहले ऐसा होता था कि वर्षों गुजर जाते थे, सरकारों का कार्यकाल समाप्त हो जाता था, लेकिन कोई नॉर्थ ईस्ट का दौरा नहीं करता। लेकिन आज शायद ही कोई ऐसा मंत्री होगा जिसने कि पूरे वर्ष भर में कम से कम 2-3 बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा न किया। आप लोग एक प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन, उनकी एक कविता सुनी होंगी कि तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने इस होली के अवसर पर हम सभी को अपने रंगों में रंग लिया। आज पूरे देश में बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र और हर वर्ग का विकास हो रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा, एक मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।
और इसी प्रेरणा से भारत तेजी के साथ इस समय आगे बढ़ रहा है। और मैं उत्तर प्रदेश में, यहां पर देश की बात ना करके उत्तर प्रदेश की भी बात करना चाहता हूं, अभी हाल में ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई। बहनों भाइयों, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मैं भी भाग लेने के लिए आया था। मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई कि 35 लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में होगा, इसके लिए देश के उद्योगपतियों ने करार दिया। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में, पहले तो मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, लेकिन इसकी पहले मैंने कभी कल्पना नहीं की। मैं इसके लिए मैं योगी जी की प्रशंसा करना चाहूंगा। आज हमारे देश का जहां तक प्रश्न है, हमारा देश 2014 से पहले दुनिया में अर्थव्यवस्था के आधार के आकार, साइज ऑफ इकॉनमी के मामले में हमारा भारतवर्ष दुनिया में 11वें स्थान पर आता था। अर्थव्यवस्था के आकार, किसका किसकी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, इस मामले आपको जानकर खुशी होगी, आज हमारा भारत ब्रिटेन को भी पीछे छोड़कर दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज की कतार में आकर खड़ा है। मैं समझता हूं कि किसी भी देश के लिए इससे भी बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। और उसमें सबसे बड़ी बात, आगे हमारा लक्ष्य है, या भारत और लक्ष्य ही नहीं है, बल्कि बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि 2027-2028 आते आते हमारा यह भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में, यानी दुनिया की टॉप की 3 अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो जाए। यह विश्वास और भरोसा लोगों ने व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश भी विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कानून और व्यवस्था का जहां तक प्रश्न है, मैं समझता हूं कि कानून और व्यवस्था के प्रश्न को लेकर कोई रंश मात्र भी सरकार के ऊपर संदेह नहीं कर सकता है, हमारा यही विश्वास है। कारोबार का जहां तक प्रश्न है, मैं जानता हूं कि जब तक कानून और व्यवस्था बेहतर न हो, तब तक कोई व्यापार भी किसी राज्य में अथवा किसी देश में नहीं बढ़ सकता। विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना, और इस काम को यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसलिए मैं योगी आदित्यनाथ जी को यहां की कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए जो उनका योगदान है, उसकी मैं सराहना करना चाहता हूं। आप सभी व्यापारी समाज के लोग भी महसूस कर रहे हैं, व्यापारी समाज ही नहीं बल्कि आज हिंदुस्तान के दूसरे कोने के लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं। और हमारी सरकार का जहां तक प्रश्न है, कारोबार का जहां तक प्रश्न है, व्यापार का जहां तक प्रश्न है, सबसे ज्यादा भागीदारी यदि किसी की होती है तो छोटे और मझोले व्यापारियों की। छोटे और मझोले व्यापारियों की यदि भागीदारी न हो, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं किसी भी देश की अथवा किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में जो ताकत आनी चाहिए, मजबूती आनी चाहिए, वह किसी भी सूरत में आ नहीं सकती। इसलिए मैं अपनी सरकार की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि व्यापारी समाज के हितों की रक्षा के लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं और उसके प्रति हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इस बार भारत सरकार का जो केंद्रीय बजट पेश किया गया था, उसमें छोटे व्यापारियों की को कुछ राहत भी दी गई है, उस विस्तार में जाकर यहां पर उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो उद्योग हैं और छोटे व्यापारियों के लिए ब्याज दर में ऋण यदि वह लेते हैं तो ब्याज दर में 1% की छूट दी गई है, और 3 करोड़ के कारोबार वालों को, एमएसएमई का जो कारोबार करते हैं, उनको भी टैक्स में छूट दी गई। बजट में कई प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, उन बजट की सारी प्राथमिकताओं को बहुत विस्तार में जाकर यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कह सकता हूं जो कुछ भी हम लोगों ने कदम उठाया है, कोशिश यही है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे व्यापारी समाज को उसका लाभ मिले। उत्तर प्रदेश के बजट की मैं यहां चर्चा नहीं करना चाहूंगा,
लेकिन उत्तर प्रदेश के बजट में जैसा मुझे बताया गया है कुछ सहूलियत दी गई है। सब मिला जुला कर भी हम देखें तो आर्थिक दृष्टि से हमारा भारत धीरे धीरे काफी बहनों भाइयों अब मजबूत हो रहा है। अभी हमारे बरमानी जी ने इस बात की भी चर्चा कर दी कि हमारे लखनऊ में भी नए नए स्टार्टअप खड़े हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं 2014 से पहले स्टार्टअप की जो संख्या हमारे देश में बामुश्किल 500 से लेकर 600 और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 9 वर्षों के अंदर वह करिश्मा ही काम हुआ है कि हमारे देश में स्टार्टअप की संख्या 90,000 से अधिक की हो गई। 90,000 से अधिक यूनिकॉर्न जिसे कहते हैं, यानी जिन स्टार्टअप की आमदनी लगभग $1 बिलियन से अधिक हो जाती है, यानी लगभग 8,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है, ऐसे यूनिकॉर्न ऐसे लोगों को बोलते हैं। उनकी संख्या भी भारत में लगभग इस समय 105 हो गई है। मैं बहनों भाइयों मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बड़ी तेजी के साथ बढ़ी। मैं बार बार कहता हूं कि पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बात लोग जिस गंभीरता पूर्वक सुनना चाहिए नहीं सुनते थे, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह है हैसियत, यह है प्रतिष्ठा भारत की सारी दुनिया में बढ़ी। इंग्लैंड जिसने लगभग 200 वर्षों तक हमारे ऊपर हुकूमत की है, आपको जानकर खुशी होगी कि इंग्लैंड का भी ब्रिटेन का भी इस समय नेतृत्व यदि कोई कर रहा है तो भारतीय मूल का ही व्यक्ति ब्रिटेन का भी नेतृत्व कर रहा है। इन्वेस्टमेंट पे भारत में ऐसी अनुकूलता पैदा हुई है, केवल देशवासी ही अपना निवेश यानी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों से भी इन्वेस्टमेंट बड़ी भारी मात्रा में भारत के अंदर हो रहा है। भारत में भी यह सब सारी अनुकूलता पैदा न हुई हो तो मैं समझता हूं कि दुनिया के दूसरे देशों से जितना आज निवेश हो रहा है, जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वह शायद किसी भी सूरत में न हो पाता। एप्पल नाम का एक कारखाना, एप्पल का यह नया कारखाना, एप्पल के बारे में आप सभी अच्छी तरह जानते होंगे। अब बहनों भाइयों जिसकी हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे वह कर्नाटक में लगने जा रहा है, यानी हमारे भारत में लगने जा रहा है। पहले यही एप्पल कंपनी इस काम को चाइना में किया करती, यानी भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है, भारत में व्यापार करने की अनुकूलता बढ़ी है। एप्पल जैसी कंपनी भी अब चाइना को छोड़कर भारत में अपना कारखाना लगा रही है, कर्नाटक में लगा रही है। यह भारत की हैसियत, यह भारत की साख, यह भारत की विश्वसनीयता दुनिया के दूसरे देशों में बड़ी है। व्यापार करने के मामले में जितनी सरलता आई है पहले के अपेक्षा, मैं नहीं कहता हूं सारी चीजें पूरी तरह से सुलझ गई हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन पहले से स्थिति बेहतर हुई है, मैं यह बात विश्वास के साथ कह सकता हूं। अभी आप लोगों ने समाचार पत्रों में भी देखा होगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एक होता है, उसने कहा है कि 2014-15 में एक भारतवासी की औसत आमदनी जितना हुआ करती थी आज वह बढ़कर दुगनी हो गई। मैं यह नहीं कहता हूं कि सभी व्यक्तियों की आमदनी दोगुनी हो गई, लेकिन एवरेज औसत सारे देश का निकालने के बाद उसने कहा है 2014-15 में सालाना औसत आय यह लगभग 84,647 रुपए थी, जो 2022-23 में बढ़कर प्रति व्यक्ति औसत आय लगभग 1,72,000 रुपए तक पहुंच गई है। यह भारत की हैसियत मेरे बहनों भाइयों सारी दुनिया में बढ़ी है। यह हम सबके लिए बहुत ही गौरव का विषय है। बैंकिंग व्यवस्था का जहां तक सवाल है, और बैंकिंग व्यवस्था की चर्चा मैं इसलिए करना चाहता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सिस्टम का कैसा महत्व है, या व्यापारी समाज को बताने की आवश्यकता नहीं है। शांति व्यवस्था तो कायम हो गई, लेकिन उसके साथ साथ बैंकिंग व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त होना यह बहुत ही आवश्यक है। बैंकिंग यह सिस्टम अर्थव्यवस्था की यह रीढ़ होती है, और आज
सारे विश्व में अमेरिका जैसे देश में भी बैंक्स बैठ रहे हैं, उसके बावजूद हमारे बैंकिंग सिस्टम पर कोई आंच नहीं आने पाई है, यह भी श्रेय यदि किसी को जाता है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, उनकी सूझबूझ को जाता है। ऐसे हालात इस देश में पैदा हुए हैं, और पहले तो ऐसा था कि लोगों के टेलीफोन पर लोगों को करोड़ों रुपए मिल जाते थे, क्रॉनिक कैपिटलिज्म उसे कहते हैं, लेकिन अब ऐसे फोन करके किसी को कोई बैंकों से करोड़ों रुपए नहीं दिलवा सकता। ऐसे हालात होते हैं तो स्वाभाविक रूप से बैंक डूबने के कगार पर पहुंच जाते हैं, ऋण की जो रिकवरी होनी चाहिए वो ऋण की रिकवरी भी नहीं होनी चाहिए, नहीं हो पाती। तो फोन बैंकिंग का जो सिस्टम प्रारंभ हुआ था इस देश में बहनों भाइयों, वह भी अब समाप्त हो गया है, और बैंकिंग में सुधार का ही परिणाम है जहां अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों में बैंक लड़खड़ा रहे हैं, तो भारत जैसे देश में बैंक मजबूती को हासिल कर। आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा सिलिकन वैली बैंक अमेरिका का, सिग्नेचर बैंक अमेरिका का, क्या हालत हो गई वहां की, एक क्रेडिट सुई, ये यूरोप के बैंक सब लड़खड़ा है, लेकिन भारत के बैंकिंग सिस्टम पर कोई भी अंतर नहीं पड़ता। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान और श्रीलंका, यहां पर क्या हालत है, कैसा आर्थिक संकट पैदा हुआ है, यह भी आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, और आपको जानकर आप कभी कभी टेलीविजन के चैनल पर भी देखते होंगे कि पाकिस्तान के भी लोग कहते हैं कि हमारे देश में भी प्रधानमंत्री यदि होना चाहिए कोई तो मोदी जैसा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। अब पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं, उनको भी मोदी जी की याद आ रही है, यानी पूरे विश्व में हमारे प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का विश्वास एक भाव बढ़ा हुआ है। तो मेरे बहन भाइयों, सब मिला जुलाकर मेरे कहने का तात्पर्य यही है, देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और इस देश जो आज तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है उससे बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन यदि किसी का है तो हमारे देश के व्यापारी समाज का भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, इसलिए मैं उसके लिए आप सबका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। लेकिन तकलीफ तब होती है जब हमारा देश आगे बढ़ रहा हो, भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में तेजी के साथ बढ़ रही हो, उस समय कुछ लोग भारत के संबंध में दुनिया के दूसरे देशों में जाकर भारत की प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और उनसे कहते हैं जय अमेरिका के लोग, अय यूरोप के लोग, आप चुप्पी साफ क्यों बैठे हो, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। यदि किसी को लगता है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, उसकी चर्चा भारत की संसद में होनी चाहिए, जब दुनिया के दूसरे देशों से जाकर हम ये चर्चा करेंगे कि भारत लोकतंत्र में खतरे में है, आप चुप्पी साफ कर क्यों बैठे हैं, आइए भारत को बचा लीजिए। बहनों भाइयों, भारत में जैसा लोकतंत्र है वह दुनिया में कहीं पर नहीं। बीजेपी ने किसकी आवाज बंद कर रखी, आवाज बंद की गई है तो 1975 में इमरजेंसी लगाकर यहां पर आवाज बंद की गई है। बहनों भाइयों, हमारी सरकार ने किसी की आवाज को कभी बंद नहीं किया, जानबूझकर कुछ लोग देश को अंतर्राष्ट्रीय जगत में बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मैंने जानबूझकर इस बात की चर्चा की, यहां पर व्यापारी समाज के लोग मौजूद हैं, जागरूक लोग हैं, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, कैसे उसे ताकत दी जा सकती है, इन सब सारी चीजों को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए जानबूझकर मैंने इस बात की भी आप लोगों के समक्ष चर्चा की है। इसलिए बहनों भाइयों, आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ मैं कहते हुए, नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं श्री अमरनाथ जी मिश्र और उनकी पूरी टीम, और हमारे चेयरमैन श्री राजेंद्र जी अग्रवाल, सभी का नाम मैं अब नहीं लेना चाहता, सबको मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और अपनी तरफ से पूरा यकीन दिलाता हूं कि हमारे द्वारा जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी पूरा सहयोग व्यापार मंडल लखनऊ को प्राप्त होगा। यही आप सबको विश्वास दिलाते हुए अपना निवेदन समाप्त।